कैमरा रोटेशन वेल लॉन्ग, तो इसका क्या यूज़ है? काफ़ी भाइयों ने क्वेश्चन किए, जो कि ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो क्या होगा, अगर आप डिसेबल रखते हो तो इसका क्या नुकसान है? आज मैं आपको कंप्लीट इसका एक्सप्लेन यूज़ बताने वाला हूँ। इसे यूज़ करके आपको अच्छा लगेगा, तो किसी भी टाइम आपको काम आ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप भी अपना कमेंट दे सकते हो। तो इनका सबसे पहले वहाँ पर सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और ये चीज़ वहाँ पर देखें मेरे पास इनेबल है, ठीक है। तो इसका ये है कि हम जैसे पीक पे जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसको डिसेबल रखता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने पीक पे क्लिक किया तो वहाँ पर जितने मैं मूव कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, ठीक है, करेक्टर दाएँ बाएँ। तो अब इसको यानी कि वहाँ पर मैं इनेबल रखता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम काफ़ी टाइम फायर करते हैं और पिक के साथ यानी तीन फिंगर पे खेलते हैं, तो पिक के साथ जो कि वहाँ पर हम मूव करते हैं कैरेक्टर को, इस तरह भी करते हैं, ठीक है। जैसे इसको लगा के इस तरह मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ ये, अगर इसको आप डिसेबल रखोगे तो क्या होगा कि आपका करेक्टर है पिक पे मूव नहीं करेगा, आप जैसे मर्जी अपना जो कि फिंगर फिराए इसके ऊपर। तो इसका यूज़ यही है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।